नमस्कार, बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित अतिथि शिक्षकों के लिए। बड़ा अपडेट है, अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में इस बार कराने में बहुत ज़्यादा समय मध्य प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग यानी कि लोक शिक्षण ले रहा है। अतिथि शिक्षकों के हालात बद से बदतर हैं। एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आप जानना चाहेंगे कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां आखिरकार स्कूलों पर कब होंगी, शिक्षा विभाग की स्कूलों पर। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले क्लियर कर दें कि अभी जो वर्तमान में आपके लिए आदेश हमने दिए हैं वीडियो के माध्यम से, वह आदेश मध्य प्रदेश की ट्राइबल स्कूलों के लिए है, यानी जनजाति कार्य विभाग की जो स्कूलें हैं, ये स्कूलें ज़्यादातर जिलों पर नहीं हैं। जहाँ पर हैं वहाँ के लोग सर्च करके अपने पास की स्कूल पर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई से स्टार्ट है और 25/7 से 27/7 तक वहाँ पर आवेदन होंगे। अगर वहाँ के स्कूल के प्राचार्य प्रधानाध्यापक हेडमास्टर ने पहले ही विज्ञापन निकाल दिया है, चूँकि आदेश अभी बाद में आया है, तो इसलिए वहाँ पर फिर से आवेदन लेने के लिए वह बाध्य हैं। अगर नहीं लेते हैं तो आप उस आदेश को उनको दिखा करके आगे के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ये ट्राइबल का हो गया, वहाँ पर 1/8/2024 से स्कूलों पर ज्वाइनिंग यानी अतिथि शिक्षकों का स्कूल पर आमंत्रण और जो पढ़ाने का काम है वह शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की स्कूलों पर। शिक्षा विभाग की स्कूलें जहां पर अतिथि शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इस बार 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में बहुत ज़्यादा देर होने के कारण इन अतिथि शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। भर्तियां कब हो जाएंगी, स्कूलों पर ज्वाइनिंग कब होगी, लोक शिक्षण की तरफ से आदेश कब होंगे फाइनल, जो पढ़ाने अतिथि शिक्षक स्कूल पर कब जाएंगे। तो फाइनल अतिथि शिक्षक पढ़ाने, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। अगस्त के महीने पर अतिथि शिक्षक जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे थे और ये जो करना चाहते हैं, तो उनका ज्वाइनिंग अगस्त के महीने पर होगा। अब बात आती है कब तक होगा, तो अगस्त शुरू में आदेश आएगा, ये आप जान लें उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। उसके पहले भी आदेश आ सकता है क्योंकि प्रक्रियाएं हैं, और अगस्त पूरे अगस्त के महीने में शिक्षा विभाग की स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो पुराने हैं पहले स्टेप में उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद जो नए विज्ञापन जारी किए जाते हैं उसकी तारीख आती है, उसके बाद वो प्रचार पदों के विरुद्ध भी रखे जाते हैं, उसका आदेश भी आएगा। तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग को लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 पर इतना समय क्यों लगाया गया मध्य प्रदेश सरकार या लोक शिक्षण के अधिकारियों के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है, सभी कैडर का ज़्यादातर काम हो चुका है, अब केवल दो कैडर बचे हुए हैं जो कि आज 24 तारीख से चालू है। तो उच्च माध्यमिक से हाई स्कूल प्रचार इनका भी बचा हुआ है, और साथ ही जो हाई स्कूल प्रचार हैं उनको हायर सेकेंडरी प्रचार, तो उनकी आज से शुरू है, इसका काम भी 2-3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनके आदेश जारी होंगे। ये काम जुलाई के महीने पर संभवतः हो जाना चाहिए, ये सरकार के ऊपर कितना जल्दी वो इनके ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। और इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं स्कूलों पर वह कराई जाएंगी, यानी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराया जाएगा। सबसे पहला लाभ पुराने वालों को मिलेगा, कोई परेशान ना हो, और कोई भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो नियम बता रहे हैं कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अदर सोर्स के माध्यम से उनको जानकारियाँ मिल रही हैं, उसको देखकर भी परेशान ना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो समस्याएं हो रही हैं कोशिश पूरी करते हैं कि उस समस्या का हल आपको मिले। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कोई चीज़ जैसे आदेश वगैरह हम देते हैं तो थोड़ा सा देख के आप आगे का मतलब नहीं समझते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है तभी हर चीज़ वहाँ पर क्लियर की जाती है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि अगर कोई सवाल बचता है तो कमेंट करेंगे, अगर समय मिलता है
तो हम उसका उत्तर आपको देंगे। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो पर आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।